अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक एक्टिव आई है जिसका मेन स्टैंड की प्रॉब्लम है और वो आज हम खुद से सॉल्व करने वाले हैं और आप भी खुद घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं उसे। चलिए आइए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो ये मेन स्टैंड है ये नीचे लटक रही है, इसमें सफरिंग नहीं है। फिलहाल मैं आपको लेटा के दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। लेटाना है इसे, बैठ के लेटाओ। थोड़ी लेटा दो, ये देखिए, ये जो है ये साथ में इसके घूम रही है, ठीक है। और ये वाला नक्का आप देख रहे हैं, ये टूट चुका है, ये देखिए। तो आज हम इसे यहाँ से और यहाँ से कट लगाने वाले हैं ग्लेंडर की मदद से, और इसमें मेन स्टैंड नया डालेंगे क्योंकि ये यहाँ से टूटा हुआ है और ये घिसा हुआ भी है यहाँ से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं काम। दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों को, ग्लेंडर चलाते हुए आप आँखों में ग्लास पहन ले, और इस चैम्बर का ध्यान रखना है, ये चैम्बर कटिंग ना हो जाए यहाँ से, ठीक है। बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना है, पिन काटते हुए ये कटिंग ना हो जाए। कटिंग हो चुकी है इसकी अच्छे से दोनों साइड से। हमें ये स्टैंड इसलिए बदलना पड़ रहा है क्योंकि ये पैर रखने वाला टूटा हुआ है और यहाँ से घिस चुका है ये, नहीं तो हम इसे गर्म करके निकलवा के फिर कर सकते हैं। स्टैंड ले लिया है, स्टैंड फिट करने से पहले यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से काट लेना है आपको, ठीक है, और दो कट यहाँ लगा देने हैं। चीज़ आपको देख लेनी है, जो पिन टूटी हुई है यहाँ, ये वाला छह सुराग इस पिन के सामने रहेगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। और जो हमने पीस काटा था, ये वाला पीस यहाँ का, ये वाला पीस,
हुई, इसके बराबर में लग गया। ये तकरीबन 1 इंची करीब काट के इसके अंदर दबा रहे हैं हमने। दोस्तों एक्टिवा कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, उसमें मैन स्टैंड में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी और हमने उसका मैन स्टैंड चेंज कर दिया। उसकी जो पेने होती है वो भी चेंज कर दी हमने। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, अल्लाह हाफिज़।